मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रभारियों की घोषणा की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर प्रभारियों का किया ऐलान। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट के लिए नियुक्त किए प्रभारी। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना बने विजयपुर उपचुनाव प्रभारी। मंत्री करण सिंह वर्मा को बनाया बुधनी विधानसभा का प्रभारी। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने सीहोर जिले की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने दोनों ही सीटों के लिए प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री व कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा द्वारा विधानसभा 156 बुधनी एवं 2 विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारियों के नाम की घोषणा की है। सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को प्रभारी बनाया है, जबकि सह प्रभारी पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को बनाया गया है। इसी तरह विजयपुर विधानसभा के लिए मंत्री एंदल सिंह कंसाना को प्रभारी बनाया गया है, जबकि सह प्रभारी नरेंद्र बिरथरे को बनाया गया है। बुधनी सीट से 2023 में चुने गए विधायक शिवराज सिंह चौहान 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए। उनके इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली है। वहीं विजयपुर सीट रामनिवास रावत के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने और एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद दिए गए इस्तीफे के बाद खाली हुई। कुल मिलाकर इन दोनों सीटों पर जल्द चुनाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।